एयरपोर्ट कि आप घर के इनकी झमक तार दूंगा। टू इंडियंस इन एमआर। यो बम्बा नहर है राम राम जी। क्या हाल है दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता चलने वाला है एक सनसनी खबर के बारे में, तो दोस्तों स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? दुबई। अभी भी कम टू दुबई। तो दोस्तों ये प्लानिंग और ये वाला जो सब सोच रखा था ये सब था यहाँ से, और ये सब कुछ आधे घंटे की प्लानिंग है। कल हमारा शूट खत्म हुआ है और भाई हमें ले जा रहे हैं दुबई घुमाने, लेकिन हम भी घूमने चाहते थे बहुत दिनों से पर जा नहीं पा रहे थे। झेड़ पेड़ में जो काम हो जाए ना उन हो तो कभी भी प्लान, मतलब ऐसे वाली प्लानिंग हुई है कि आधे घंटे में जल्दी टिकट करो और जल्दी आज चलो, आज वीजा लगाओ, सब वीजा हमारे लगे पड़े थे इसलिए अब चलते हैं। ठीक है कल काम खत्म, अब देखो आज है 2 तारीख डे वन से लेके डे 7 डे 8 तक सारी अपडेट मिलती रहेंगी। अब देखो मजा लो बस तुम। और दोस्तों हमारा दोस्त जो है वहाँ से, क्या नाम है, जम्मू का गुजर, वो आ चुका है जम्मू के नागर जी। क्या हाल है कन्वर जी? तो देखो इस ब्लॉग में जो जो लोग रहने वाले हैं मैं उनके बारे में बता दूं। इनको तो आप जानते ही होंगे, सज्जन को हमको थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये है नंदू भैया, नंदू भैया के साथ जो ये दिख रहे हैं जम्मू वासी, ये है इनके बाउंसर, ये बाउंसर है इनके, देखो लग भी रहे हैं आपको बॉडी बना के। और एक हमारा यामा का कैब ड्राइवर रहेगा। सोनू भाई आवाज उठे, मैंने मेरी की क्या कर रहे हो, मेरी की कैब गाड़ी में सोए ऊपर कहीं लिटाया ना, तो मैं पता ना अभी तैयार हो जा रहा हूँ। ठीक है, और कमी जैसी पहन रखी है कैब ड्राइवर। तो अभी एक भाई हमारा वो रह रहा है, अभी आएगा तो देखना। अभी One of the vehicle door. देखो जहाज। अरे न्यू गैरी तुम। दोस्तों यही एक कामयाब गाड़ी है जिसके अंदर हम बैग भर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। Always wear mask. मास्क जम्मू बहुत बढ़िया चले। ओहो हबीबी कम टू दिल्ली एयरपोर्ट। ओहो फोन गिरा दिया सुबह सुबह, अभी यहीं टूट जाता, नहीं लेगा दुबई से। दोस्तों हमारे एक दोस्त को ले जाया जा रहा है, मुझे लगता है उसमें कुछ डाउट है, इसका क्लियर नहीं हो पा रहा ये मेल है या फीमेल, इसलिए इसे लेके जा रहे हैं चेक करने के लिए। दोस्तों एयरपोर्ट पे एक सबसे ज़्यादा तगड़ी वाली चीज़ है ड्यूटी फ्री, जहाँ हम आए हैं स्पेशल ले लो ड्यूटी फ्री। दोस्तों एक खास चीज़ मैं आपको दुबई में जाके दिखाने वाला था, जो कि अभी हमें यहीं पर वो चीज़ मिल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये मिलो? हाँ जुनैद भाई से बड़ी बात है कि जुनैद भाई हमें दुबई में मिलने वाले थे 6 तारीख को, लेकिन एयरपोर्ट पे हम यहाँ ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं और ये हमारे पीछे, इन्होंने आके हमें यही पकड़ लिया है दिल्ली में। बिल्कुल ऐसा हो गया, सरप्राइज हो गया, बहुत तगड़ा वाला। और आपको एक चीज और बताऊं जुनैद भाई के बारे में, हम 4-5 साल से दोस्त हैं, लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करते थे तब हम दोनों ने स्टार्ट किया था, एक ही फ्लैट पे से स्टार्ट करा था, और आज तब पूरा सारा काम करने के बाद फोन पे कनेक्ट थे, इंस्टाग्राम पे थे, पर लेकिन मिल नहीं पाए, आज मिलेंगे। और दुबई में अब होगी पार्टी होगी दुबई में। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। तो दोस्तों अभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि कन्वर जब आया था तो ये शॉपिंग नहीं कर पाया, तो अभी शॉपिंग के टाइम पे ये कुछ खरीद के लाया। क्या लाया तो दिखाइयो, सारी टी शर्ट है गया भाई, सारी ये वो टी शर्ट लेके आया जो बिल्कुल सेम इसने घर से लिया ना, सेम टी शर्ट इसने एयरपोर्ट से खरीदी है। अभी नहीं चाहिए, दोबारा चाहिए, ये बताओ यार, ये कुछ याद होती है यार कन्वर, अच्छा लग रहा है, कनाडा वासी लग रहा है। तो दोस्तों ये है फुल गैंग जो पहुंच रही है दुबई में, प्लॉट ही प्लॉट, नंदू भैया जाके करने वाले दुबई में प्लॉट ही प्लॉट, 6%, 5%, 4%, और पैसा लेके जा रहे हैं बैग में बहुत सारा, कहेंगे जाते ही ब्याज पे पैसा ले लो जी। अब देखो जी सोनू भाई का हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में पूरा टेंडर है। ना, मैं आपको बताऊंगा सब लोगों के विभाग, हमारा विभाग तो आप जानते ही हो जो हम कर रहे हैं, हमने तो पकड़ रखा है। ठीक है,
ये आ गए देखो 5% के प्लॉट वाले और ब्याज वाले ठीक है, ये आगे डंपर वाले इनके जम्मू में डंपर चल रहे हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा काट दिया। और ये भाई देखो इनका दुनिया से सबसे अलग हटके काम है जो 100 लोगों में एक पे मिलता है, ये है हॉर्टिकल्चर वाले इनको कटाई झटाई मतलब जितनी भी चीजें हो ना ये काम इनका, मतलब पूरे ग्रेटर नोएडा का इन्हें टेंडर मिला हुआ है अथॉरिटी की तरफ से कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सब सुरक्षित रहने चाहिए। अब ये सुरक्षित नहीं है बस उनके चक्कर में। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगा आपको, मैं तो चाहता हूँ ये वाला ब्लॉग भाई रविंद्र देखे। नमस्ते भैया, और रविंद्र भैया से बच के ये इंसान बिना घर बताए आया है। यार भाई चलो यार, इस आदमी ने ये बोला कि आप घर के इनकी झमक तार दूंगा। पता हम 5 लोग आए हुए हैं, उनमें से किसी एक का कहना है, 5 की शक्ल देख लो कौन कहेगा वो आप कमेंट में बताना। पता क्या, इनमें से किसी एक का ये कहना है कि घर वाले कहीं जान ना देते, मैं जा रहा हूँ इनकी झमक चुटा दूंगा। मतलब ढूंढेंगे 6 दिन अपने घर वाले की जगह। तो हमारे गाड़ी पायलट जो मतलब जहाज को पायलट देख रोल मार रहा कभी हमें छोड़ा ना, 2 महीने ले जाओ कभी 2 महीने ले जाओ घुमाने। चल जी दोस्तों, फाइनली हम अपनी फ्लाइट में बैठ चुके हैं और हम निकलने वाले हैं यहाँ से सीधा हबीबी क्षेत्र में, मतलब जो वहाँ के हबीबी गुजर रहे हैं उनके यहाँ जा रहे हैं। दुबई आने के बाद थोड़ा हमको अच्छा लगा, पसंद आया हमें दुबई। हम देखेंगे यहाँ पे एक नंद भी हमें प्लॉट दिला दें तो मज़ा ही आ जाएगा, यहीं रहेंगे फिर हम। एयरपोर्ट पे आने के बाद अंदर एक ट्रेन चल रही है, इससे हमें जाना है टर्मिनल 1, पता नहीं कहाँ जाना है बैगेज लेने। सब लोग इस ट्रेन से जाएंगे दुबई में आने के बाद। क्या बड़ी बस है, वेलकम टू दुबई एयरपोर्ट। दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं दुबई एयरपोर्ट पे। दुबई में बाइक खड़ी हुई है BMW दुबई ड्यूटी फ्री, फ्री में चलाने के मिल रही है बाइक, जिसको भी चलानी है वो आके चला सकता है। करेंसी एक्सचेंज, ये है दुबई एयरपोर्ट, यहाँ दारू ही दारू मिलती है बस। और ये घूम रहे हमारे कुछ साथी, पता नहीं भाई किधर है। सोनू भाई का एक बैग खो चुका है, 2 बैग लेके आए थे। तो दोस्तों फाइनली एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि एयरपोर्ट्स खो चुके हैं, एक हमारे एयरबड्स एयरपोर्ट्स खो चुके हैं, और दूसरा एक बैग खो गया था वो तो मिल गया, बट एयरपोर्ट्स खोए नहीं है वो रह गए फ्लाइट में। फ्लाइट में अभी बाकी लोग गए हुए हैं ढूंढने के लिए, अगर मिलते हैं तो जो भी अपडेट होगा मैं बताता हूँ आपको, देखते रहना। और दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दुबई एयरपोर्ट है कैसा। जैसा हमने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कुछ होगा दुबई के नाम पे, ऐसा कुछ है नहीं। ये मेडिकल शॉप है पीछे, और मतलब अच्छी वाली दिल्ली वाली बात नहीं आई भाई, जो सच्चाई है जी वो वाली बात नहीं आई। तो जैसा भी है ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब दुबई पहुँच गए हैं, बाकी आपको जाते ही बाहर दुबई सिटी दिखाते हैं। ये दुबई में गाड़ी चलाने की जो स्पीड है टॉप वो कितनी है, 120। दुबई फोटो फ्रेम, जिसके नाम पे रोड है हबीबी, कम टू दुबई। दोस्तों हम और हमारे हबीबी हम और हमारे हबीबी
दुबई में आ चुके हैं। दो हमारे दो। यस। हम तीन हमारे दो। हाँ मजा आएगा। देखो हम सोए नहीं है दो तीन दिनों से। मैं सबसे पहले जाते सोने वाला हूँ शाम। ओए हवा चल रही है तो ना, मौसम गर्म है ना। छत पे सोएंगे हम जाके। दोस्तों हमारा ऑटो ले रहा, अभी हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें आते हैं। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे रोल्स रॉयस, और हम आए अपनी इस वाली गाड़ी से। रोल्स रॉयस कल चलाएंगे और अभी चलते हैं हम अंदर। चलिए हाँ मैं करूँगा, बैग निकाल लिए ये बताओ। वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रोवर। Zivora Hotel Dubai in UAE is the tallest hotel, standing at 356.33 m. इतना सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल है, सबसे मतलब हाइट में सबसे ज़्यादा। कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई होटल अपना, शानदार व्यू के साथ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम अपने रूम में पहुँच चुके हैं अब इसके बाद। ओ नाइस, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। दोस्तों हम अपने रूम में पहुँच चुके हैं, हम थोड़ा सा नहा धो ले, थोड़ा सो ले, उसके बाद हम यहीं से व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा शक्ल देखो कैसी होगी ट्रैवल करते करते, थोड़ा सा सुधार कर लें, उसके बाद मिलते हैं इसी व्लॉग में आगे। आपको दिखाएंगे फिर चलेंगे शाम को बाहर घूमने, और रात की दुनिया जो है ना यहाँ की बहुत तगड़ी है, वो सब दिखाने वाले हैं। तो इन सब पर इतना ध्यान मत दो, आगे की चीज़ें देखना, क्या मज़ा आएगा। लगातार साथ बने रहना व्लॉग में। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ स्पेशल, रुक जाओ। यस डियर मिस्टर मृदुल तिवारी, वेलकम टू टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर चूजिंग टू स्टे एट Zivora होटल, वेरी नाइस। दोस्तों और मैंने बताया था हम रेडी होने के बाद जाएंगे बाहर, तो हम बाहर आ चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं आपको मिलवाऊंगा एक इंसान से। तो दोस्तों पहले मैंने आपको दिखाए थे जुनेद भाई, जिनसे हम मिले थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो दुबई आ रहे थे, तो वो भी दुबई आ चुके हैं, उनसे भी मिलेंगे। उनकी फ़्लाइट अलग थी, तो उन्हें एक इवेंट में जाना था तो वो इवेंट में गए हैं। बाकी हम मिले हैं एक रूबी भैया से, वो हमारे जम्मू वाले जो दोस्त हैं कन्वर, उनके दोस्त हैं मतलब नोन हैं। तो वो अभी आए हैं हमें होटल पे रिसीव करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, घूमते हैं, भूख लगी है बहुत तगड़ी यार, क्या करें। और ये देखो हमारे सोनू मंडार भाई स्मार्ट लगते हुए, ये वाला पोज जो है ना, ये तो सोनू मंडार ही कर सके जी। हेलो रूबी भैया, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ? एकदम बढ़िया, जम्मू से सीधा दुबई। हाँ जी। हमको मिले हुए कितना टाइम हो गया? डेढ़ साल। अभी डेढ़ साल हो गया ना रुपये तो मिले। बहुत सही। अपनी गाड़ी ये रही, रुपये भैया की गाड़ी, उसमें बैठ के हम जाने वाले हैं। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी दुबई। इसे क्या बोलते हैं? ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इधर तो ये आप चल के जा सकते हो। आप आएंगे शाम को? इसकी ना नीचे ग्राउंड फ्लोर की एंट्री फ्री है, ऊपर टिकट है, लगेगी टिकट जाएंगे। अच्छी चीज़ है वैसे, अच्छी चीज़ तो बढ़िया है। वो तो क्या इसमें, पर शायद इसकी टिकटें भी ना मिले, शायद सोल्ड आउट। यो ब्रो, यो यो सोनू भाई, सोनू भाई, यो यो, ये खड़े सोनू भाई नीचे। हाँ जी। तो दोस्तों थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद अभी हमने एक रेस्टोरेंट में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, मतलब जहाँ हमें वेज खाना मिल सके, तो हमें वेज खाना खाया है। उसके बाद हम देखते हैं एक दो जगह और घूमने जाना है। आज गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं ठीक है, अच्छा है मौसम। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए इधर उधर, देखते हैं। अभी हमने इस जगह पे खाना खाया है, जो भी लिखा है ये पता नहीं, बट यहाँ इंडियन टाइप का खाना मिल गया हमें। और अभी ये पीछे रोड है जहाँ आप देख रहे हैं, दुबई की सड़कें ऐसी होती हैं, ऐसा डिवाइडर होता है, ये गाड़ी की नंबर प्लेट होती है ऐसी वाली। यहाँ पे सिटी व्यू, मतलब सिटी का जो व्यू है वो बहुत प्यारा होता है, मतलब आप सिटी का एक नंबर का मज़ा देख सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे जाते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी, गाड़ी है रेल का डब्बा GMC। हम जाने वाले हैं इस वाली गाड़ी में, विथ रेजिडेंस। कौन सी गाड़ी है ये, ट्रम्पची? ये वाली गाड़ी है, जो भी है पता नहीं, बड़ी है काफ़ी, इसमें अच्छे से बैठ पाएंगे सब लोग। द फर्स्ट लैंडमार्क ऑफ दुबई, पुराना दुबई है ये। हाँ पहले वही सब दुबई के सब जगह में वो पिक्चर आता था, उसके बाद बुर्ज अल अरब आया, उसके बाद बुर्ज खलीफा आया। आपका नाम क्या भैया? इब्राहिम। इब्राहिम क्रिश्चियन वाला इब्राहिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
तो अब हम आ चुके हैं अलसीफ दुबई, मतलब एक जगह है अलसीफ दुबई नाम की, उस जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ का बैक कैमरा करके व्यू दिखाता हूँ, इतना प्यारा व्यू। पता क्या यार, पीसफुल है, मतलब शांति है, शांति बहुत है, इतना ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे में ना मेरे साथ तू नहीं। तो दोस्तों अभी हम जगह, इस जगह का नाम है अलसीफ दुबई क्रीक। देखो आप यहाँ पे शिप, क्रूज, छोटे याज, यार्ड सब यही है, और आप देख सकते हैं। तो हमें पानी में कूदना है। ये पानी आता कहाँ से है? नदी, नहर है भाई? नहर है, यू बम्बा नहर है, बम्बा दिख है भाई, तो बम्बा ना बम्बा को थोड़ा सा नाड़ो है, लेक लेक ना, नहर है, यू नहर है, यू अगर हम यह वाली गाड़ी इंपोर्ट करवा ले, मजा आ जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बता, मतलब बिल्कुल अलग खतरनाक मजा ले ली जाएगा। ग्रीन वाइट गिफ्ट करूँ? बता, बढ़िया सी वो तो, वो अच्छी लगे। गेट भी ऐसे खुले ऊपर को, कैसे खुले हुआ गेट, कैसे खुले है मृदुल, हाथ बना के दिखाई फिर। हाँ ये गेट, ये गेट तो पसंद है, ऐसी एक गाड़ी लेनी चाहिए ऐसे ही खड़ी है ना। मन करगा मेरा, अब मन आगा ले लेनी चाहिए। ब्यूटीफुल बुर्ज खलीफा की, अभी हम लोग हैं दुबई मॉल के पास और ये है बुर्ज खलीफा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया था कि टू इंडियंस इन जाने वाले एमिरेट्स, टू इंडियंस इन इमार, बहुत बढ़िया। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा, अभी हमने आपको दिखाया वाटर फाउंटेन इन दुबई कैसा होता है, पूरा मजा आया। कैसा लगा? बहुत जोर की चीज, मतलब बहुत टॉप लगा, बहुत मस्त लगा। और कैडी चीज आपको दिखाता हूँ अपने पीछे, बुर्ज खलीफा, ये बहुत शानदार, ये रहा बुर्ज खलीफा, हाथ खा दो, ये रहा बुर्ज खलीफा। गाइस कैसा लगा आपको ये वाटर फाउंटेन? बहुत बहुत शानदार भाई, मजा आ गया। तो सन्नी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी ऐसी कोई प्यारी प्यारी चीजें हों, और इतनी दूर से इतने सारे लोग इंडिया देखने आते हों। तो ये है टेस्ला, और जो कि अब हमें लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। टेस्ला पसंद है तुझे? कौन सी पसंद है? टेस्ला पसंद सिर्फ मुझे, या तो एस्कलाडे पसंद है या फिर एवेंटाडोर पसंद है। एवेंटाडोर टेस्ला पसंद है मुझे, भी पसंद है एवेंटाडोर। तो
I also like video mein uthaya mere dil ne tasla tasla pasand hai Thank you.